नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSC Jobs में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले RRB JEE का टोटल सिलेबस, जो कि अभी फ़िलहाल में वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल में जानेंगे, पूरी जानकारी जो कि अभी तक अवेलेबल है। और ये चूँकि इसका पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न अभी चेंज हो चुका है, इसीलिए अभी न्यू पैटर्न जो 2019 का है इसको हम लोग पूरी अच्छे से जानेंगे। वो भी हिंदी में आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा, एक एक लाइन से उसका एक एक स्टेप बाई स्टेप इस पर चर्चा किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं कि वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो दोस्तों, 13,487 पोस्ट आए हुए हैं। और किस किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? जूनियर इंजीनियर, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आया है, फिर डोपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का आया है, फिर केमिकल मेटेरोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए आया है, और अदर बहुत सारे पोस्टेज पर ये आपको वैकेंसी आया हुआ है, जिसका आपको 2 जनवरी 2019 से इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट है। और फिर यहाँ पे इंड कब होगा? 31 जनवरी 2019 को आपका ये फॉर्म फिलअप करना इंड हो जाएगा। चलिए फिर इसका आप जानते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टेप बाई स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट होगा आपका फर्स्ट स्टेज आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपका सेकेंड स्टेज होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें भी आपको MCQs ही क्वेश्चन मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो स्टेज कंप्यूटर उसका टोटल हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, देयर विल बी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे OT आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, MCQ टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएंगे और फिर कितने मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका मैथमेटिक्स से आएगा 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का। फिर जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का। फिर आता है जनरल साइंस, जो कि होगा 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। ओवरऑल इसमें कितना आ जाएगा? 100 टोटल क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स, यानी कि 1 आवर प्लस 30 मिनट्स आपको, यानी कि 1.5 घंटा आपको टोटल इसमें टाइम मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का, 90 मिनट्स मिलेगा आपको। और जो यहाँ पे हैंडीकैप्ट वगैरह है उसके लिए 120 मिनट्स मिलेगा। और एक और बात, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग कितना है तो 1/3 आपका मार्क्स कटेगा अगर आप गलत ऑप्शन पर टिक करते हैं, कितना तो 1/3 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इसका सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स से नंबर सिस्टम्स, बोर्ड मास, डिसमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मैंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, और फिर पाइप एंड सिस्टर्न से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो इसका पूरा डिटेल, इसका पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल पर, यानी कि SSC जॉब्स पे अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है, उसका वीडियो भी आपका अवेलेबल है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग का, आता है रीजनिंग में एनालॉजी जाएगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, इस पर ऑलरेडी मैंने, और कोडिंग पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के माध्यम से मैंने उसको कंप्लीट करा है। तो आप उस वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको जा करके जरूर देख लेना है। फिर आपका आएगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, फिरेंस एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आएगा, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट्स एंड असम्पशंस, ये सब सारे आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबको मैंने यहाँ पे आपको इस चैनल पे बहुत ही ईजी वे में चैप्टर वाइज सब यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर यहाँ पे आता है जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस पे देखिए कौन कौन चैप्टर से आने वाला है, नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स से यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैंने करेंट अफेयर्स पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑलरेडी उस पर मैं 5-6 वीडियोज बना चुका हूँ, तो हो सकता है उसे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन एग्जाम में बने, तो वो सब भी आपको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है इंडियन जियोग्राफी कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन पॉलिटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन इकोनॉमी एनवायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड। स्पोर्ट्स से आएगा जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ETC सबसे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए 100 1000 GK का एक सीरीज चलाया था जिसका आपको सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, उससे आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा फिर आपको सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री का जियोग्राफी का आपको वीडियोज अवेलेबल है। फिर आता है आपका जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायो आपको मिलेगा, जो क्या होगा 10th स्टैंडर्ड का लेवल का। तो साइंस का भी वीडियो मैं काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ, सारे को आप जा करके प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसके थ्रू आप जा करके देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो ये हम लोगों ने बहुत ही जीवन में स्टेज वन को हम लोगों ने पूरा जीवन में हम लोगों ने डिटेल में इसको समझ लिया। चलिए और फिर आते हैं हम लोग का स्टेज टू में क्या क्या आपका होने वाला था। स्टेज टू जैसे कि मैंने बोला ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें भी आपको MCQs मिलेंगे। चलिए अब इसका सिलेबस जानते हैं, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस से आएगा आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, फिर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स का। फिर आ रहा बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, इसके भी आपका आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। फिर आता है आपका टेक्निकल एबिलिटीज 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आता है, टोटल 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स का। टाइम इसमें मिलेगा आपको 2 आवर, इसमें भी आपको टाइम मिल रहा है। चलिए फिर अब इसको जानते हैं हम लोग अच्छे से टॉपिक वाइज, किस किस सेक्शन से कौन कौन चीज़ आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 1/3 आपका होगा। देखिए 90 क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम टेक्निकल एबिलिटी एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस और टेक्निकल एबिलिटी से आपका 90 क्वेश्चन होगा। फिर बाकी 60 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस अर्थमेटिक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आने वाला है, जो कि इसका वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। चलिए आप जानते हैं जनरल अवेयरनेस से क्या आएगा, तो पहले ही मैं बता चुका हूँ जो जो करंट अफेयर्स हिस्ट्री जियोग्राफी आपका आएगा, फिर पॉलिटी आ जाएगा, इकोनॉमी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी स्ट्रेटजी के क्वेश्चन बनते हैं वही सब आपको आने वाला है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वहीं 10th स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका कंप्यूटर्स का एंड एप्लीकेशंस का कुछ बेसिक आएगा, इसे यहाँ पे दिया हुआ है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसेज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज यूनिक्स लिनक्स MS ऑफिस वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन इंटरनेट एंड ईमेल वेबसाइट वेब ब्राउजर कंप्यूटर वायरस। तो मतलब ये बेसिक से क्वेश्चन इससे कंप्यूटर सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन से मतलब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट पूछेगा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल वेस्ट मैनेजमेंट ग्लोबल वार्मिंग एसिड ड्रेन ओजोन डिप्लेशन। इससे आपको जनरली बहुत ही ईजी क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा, इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल स्ट्रेटजी जरूरत नहीं है कि स्पेशल इस पर फोकस करने का आपको नीड कोई खास नहीं है। और बाकी रहा इसका जनरल अवेयरनेस इसका था और फिर मैथ रीजनिंग का, इसका वीडियो तो आप मेरे चैनल पर अवेलेबल है। फिर आता है सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका है टेक्निकल एबिलिटी, मतलब जिस चीज़ से आप यहाँ पे किए हुए हैं जूनियर इंजीनियरिंग उस सेक्शन से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशनड अगेंस्ट ईच पोस्ट शोन इन एनेक्सर ए हैव बीन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स एज बिलोज, क्वेश्चंस ऑन द टेक्निकल एबिलिटीज विल बी फ्रेम्ड इन द सिलेबस डिफाइंड फॉर वेरियस एग्जाम ग्रुप्स गिवन एट एन एग्जीव मतलब 7 ABCDEFG इतना जितने सेक्शंस होते हैं आपके उस सेक्शन से आपको इसमें से क्वेश्चन देखने के मिलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा जूनियर इंजीनियर का जितना भी यहाँ पे सिलेबस था, कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको
पसंद आई होगी। और इसके बारे में और कुछ डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिर इसका जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का टोटल क्लास ही इस चैनल पे अवेलेबल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे कि मैं इसका वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक और आपके लिए न्यूज़ है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम अप्रोक्स आपको अप्रैल या फिर मई में होगा, अप्रैल या फिर मई में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इसके प्रिपरेशन में अच्छे से आप लग जाइए, इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।